हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 गिव्स ब्रिक इफर्वेंसेंस विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गिव द नेम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एक्स। दूसरा है अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन कैन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। नेम अ केमिकल रिएक्शन विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एल्किन्स एंड एल्काइन्स। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4O2। तो जब भी ओ टू आ जाए तो यहाँ वहां पे कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो होता है कार्बन के साथ अगर कार्बोऑक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ रहता है, तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके अलावा ईस्टर में ऐसा होता है जहाँ पर दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, बाकी सभी जगह पर एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, कहीं पर भी हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, सब जगह पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग को या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या तो ईथर है। अब देखो, सॉरी ईस्टर है, नॉट ईथर, ईस्टर। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड ये ब्रिक इफर्वेंसेंस देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन कार्बन के साथ। देखो, इसका रिएक्शन अगर इसके साथ करवाते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से सोडियम इस पर रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन इस पर, तो ये बन जाएगा सोडियम एसिटेट। ठीक है, सोडियम एसिटेट H2O। और यहाँ जो इफर्वेंस प्रेजेंट होगा वो किसके वजह से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी यहाँ पे इफर्वेंस प्रेजेंट होता है। अब उस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अब इसका IPC नेम देखेंगे तो इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया, ए मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। तो पूछा गया है पहला में कि मिक्सचर जो बोला जाता है इथाइन और एयर, उसको वेल्डिंग में यूज किया जाता है, तो नो, इट इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, बिकॉज इथाइन प्रोड्यूस, इथाइन प्रोड्यूस सूटी फ्लेम आफ्टर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कम्बशन, आफ्टर इनकम्प्लीट कम्बशन। इनकम्प्लीट कम्बशन होने की वजह से ये सूटी फ्लेम देता है एंड ये मेल्ट भी नहीं कर पाता है। अगर ये सूटी फ्लेम दे रहा है, इसका मतलब है कि ये हीट बहुत कम देगा, और हीट कम देगा तो ये मेटल को मेल्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वेल्डिंग नहीं होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बशन एंड कैन नॉट मेल्ट मेटल मेटल फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए मेटल को मेल्ट भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वेल्डिंग में इसका यूज नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया, नेम अ केमिकल रिएक्शन विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, वहां पर एक ही रिएक्शन हो सकता है, एक रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। ज्यादातर जगह पर क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए उसका जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो तोड़ना जरूरी है। और जब भी वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, उसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर जुड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं निकेल के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इथीन में हाइड्रोजन जुड़ा है, जिससे ये इथेन बन गया है। तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज जुड़ता है, डबल बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाता है, तो ये एडिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।